अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सेट है इन्फिनिक्स का और ये है एंड्रॉयड 13 के अंदर और ये ठहरा हुआ है FRP आईडी के ऊपर। ये आज मैं आपको FRP आईडी रिमूव करके दिखाऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिवेट लॉन्चर का जो एंड्रॉयड सेटअप वाला ऑप्शन होता है ये इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा और ना ही इसके अंदर ऐप वाला ऑप्शन वर्क कर रहा है और ना ही इसके अंदर ये Xshare वाला सिस्टम जो होता है ये इसके अंदर वर्क नहीं करता। ये बिल्कुल न्यू अपडेट है, लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। चलें दोस्तों, आप वीडियो को कंप्लीट देख लें।